नमस्कार, हिंदुस्तानी मीडिया में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के मझौरा गांव में। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से धूमधाम से काली पूजा मनाया जाता है। तो आइए दिखाते हैं काली पूजा का यह मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत ही दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालुओं आते हैं दर्शन करने के लिए। तो दिखाते हैं आप सभी को मझौरा का काली मंदिर। तो आइए कैमरा मैन लगातार फोकस करते हुए मेरे पीछे आएंगे और मझौरा का ये मंदिर काली जी का है और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि काली पूजा किस तरीके से होते हैं और यहाँ का क्या क्या जो है मतलब प्रसिद्ध है वो हम दिखाएंगे आप सभी को। यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं मैया का मंदिर है, आप सब भी दर्शन कर सकते हैं हमारे साथ। और इस तरफ जो है हमारे कमेटी के लोग बैठे हुए हैं और इधर भी है जो कमेटी के लोग बैठे हुए हैं और इस तरफ पंडित जी बैठ करके अपना पूजा कर रहे हैं। और कैमरा मैन से हम गुजारिश करेंगे कि यहाँ इधर दिखाएं, इधर हवन की जो है पूजा हो रही है, तो एक बार इधर दिखा दे हवन किस प्रकार से जो है यहाँ पे हवन हो रहा है। तो आइए और यहाँ से हम यहाँ पूछेंगे अपने से बड़े से कि काली पूजा का क्या मतलब समाधान है और क्या किया है। तो अब आइए बात करते हैं यहाँ के कमेटी से। तो बाबा काली पूजा के बारे में आप कुछ विस्तार से हम लोगों को बताएंगे। देखिए, ये हमारे संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है। जी जी। इस गांव में दुर्गा पूजा एवं काली पूजा महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा यहाँ पे जो है काली पूजा लगभग कितने दिनों से हो रही है? पाँच साल से। और यहाँ पे मंदिर का उद्घाटन कब किया गया था, कितने वर्ष पहले? मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? लगभग छः साल। जी, तो बाबा के जैसे कि बताया कि इस मंदिर का उद्घाटन कम से कम 6 साल पहले हुआ था और यहाँ पे 6 साल से जो है भव्य आयोजन दुर्गा काली पूजा हो रही है, बहुत पहले का है। तो जो भी थे उनको हमारे तरफ से भी प्रणाम, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है मंदिर के लिए, अपना जमीन दान में दिया है। अभी के दौर में आप देख रहे हैं कि जमीन के लिए भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है बाबा जी बताए वो दान दिया गया है। नाम किसी एक का नहीं है उसमें। जी, मतलब नाम किसी एक का नहीं है, इससे पहले जो थे बहुत पहले दिए गए थे। काम जो है तो सार्वजनिक है। जी जी। अभी स्थान मझौरा के नाम से सार्वजनिक मंदिर है और दानकर्ता जो जमीन है तो इसमें बहुत तरीका ना है। ये पोखरा जिन लोगों का है उन्हीं लोगों के पूर्वज द्वारा ये मंदिर निर्माण के लिए रखा गया था, नहीं बना था। वो लोग सभी फवीक जो मिलकर जो है तो सामूहिक से बजरंग बली और काली जी के मंदिर के लिए दान दिए हैं। तो बाबा जी आप लोग लगभग प्रत्येक वर्ष कितना खर्च कर देते हैं मेले के लिए, जो मेला लगे यहाँ पे? ढाई से तीन लाख रुपया खर्चा। ढाई से तीन लाख रुपया। तो इसमें आप लोग गांव वालों से सहयोग लेते हैं या फिर पूरा कमेटी मिलके कर? नहीं नहीं नहीं, समस्त ग्रामीण का सहयोग है। जी जी, पूरे ग्रामीण के सहयोग से सभी वर्ग के लोग जो है, ग्रामीणों का, बाहरी लोगों का भी चंदा जहाँ से आता है, मतलब चंदा के रूप में लिया जाता है, चंदा के रूप से करते हैं। जी, तो आप देखें कि यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया कि ग्रामीण के मतलब सहयोग से भी पूजा होते हैं और यहाँ पे बहुत कम्युनिटी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। और यहाँ आप दिखाएंगे हम आपको कि मंदिर का जो है मतलब कितना अच्छा मूर्ति है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैया का मूर्ति किस प्रकार से लगाए बनाए गए हैं। मैया जी का मूर्ति है इधर, काली मैया का। और यहाँ पे जो देखिए रख सकते हैं कि पूजा हुआ था, बहुत अच्छा पूजा करते हैं ये लोग। और इधर बाबा गणेश जी के भी मूर्ति हैं और इधर सब देख सकते हैं मूर्ति। और इधर जो मतलब हमारे हिसाब से मतलब हमारे सनातन धर्म में जो पहले परंपरा के हिसाब से महादेव के ऊपर काली मैया छाती पर चढ़ चुके थे, तो इसी हिसाब से मूर्ति का भी निर्माण किया गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और इधर पूजा पाठ की जो है सामग्री पूजा की है, इधर प्रसाद चढ़ाए गए हैं, बहुत ही अच्छा है। भव्य मंदिर बनाया गया है मझौरा में और बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मैया जी का दर्शन करने। यहाँ पे जो है पंडित जी बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे पूजा कराते हैं प्रत्येक दिन। तो हम पूछेंगे इनसे कि किस तरीके से यहाँ पे पूजा होता है और कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी आप अपना नाम बताएंगे। मेरा शुभ नाम हुआ आदर्श मिश्र,
और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर हूँ। जी आप कहाँ से आए हैं मझौरा ग्राम? हम वाराणसी से आए हैं। वाराणसी से? जी हम आपको सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि अभी के दौर में बलि प्रदान को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है, चाहे हिंदू में मुस्लिम में हर जगह कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ खबर आता रहता है कि बलि प्रदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप बलि प्रदान के बारे में क्या जानते हैं? कोई पुरानी कोई रस्म है कहानी आप बता सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार से होते थे बलिदान बलि प्रदान, इसीलिए हम लोग बलि प्रदान करते हैं काली पूजा में, बता सकते हैं? जी जैसे हम लोग की पारंपरिक है, परंपरा से भी याद आ गया है कि बलि प्रदान जो है वो पड़ता है हम लोग के यहाँ के नियम है, अन्यथा दूसरे जगह का ले लीजिएगा तो वहाँ ऐसा कुछ कोई नियम नहीं है, लेकिन वहाँ भी बलि पड़ता है, जैसे कुष्मांड बलि होता है यहाँ, जैसे छाग बलि पड़ता है यहाँ, ये पुराना परंपरा है हम लोग की, और शास्त्रों में भी उल्लेख इसका दिया गया है बलि प्रदान करने का भी, यहाँ भी कुष्मांड बलि भी होता है छाग बलि भी होता है और अनेक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जैसे नमान से भक्षण है दोषो न मध्य न चमय थुने प्रवृत्ति रेशा भूता नाम निवृत्तिस्तु महाफला, इसलिए वहाँ भी मनुस्मृति में भी बताया गया है, यादव स्मृति में भी बताया गया है, अन्य अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, तो इस प्रकार से बलि प्रदान है यहाँ अपने नियम के अनुसार, यहाँ जो प्रथा है जिस प्रथा से हम लोग पूजन पाठन करते हैं मिथिला की पद्धति एक अलग पद्धति है, लेकिन लोग शास्त्रों में भी इसका उल्लेख कहते हैं कि जब हमको वैदिक प्रथा के नहीं पता हो तो मुझे मिथिलांचल का जो है सो नियम ले लेना चाहिए, उसके अनुसार मुझे करना चाहिए पूजन पाठन, तो यहाँ का नियम बहुत प्रसिद्ध है और ये पुराना ये आता गया है, इसलिए ये बलि प्रथा है। तो यानी अपने सनातन धर्म में जो है बलि प्रदान का होना जो पहले से चल रहा है वो करते रहना यानी उचित है हमारे सनातन धर्म में। जी धन्यवाद आपको। और इधर भी पंडित जी सब है तो इन सबसे भी कुछ पूछेंगे, आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है? हम भी बनारस से आए हुए हैं, अजय झा हुआ नाम हुआ जी। तो आपसे हम ऐसे पूछेंगे कि आप जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ हमारे मझौरा ग्रामवासी के लोग किस प्रकार से आपका स्वागत किए थे? नहीं, भव्य स्वागत हुआ था यहाँ पे हमारा जी। और ये मंदिर देखकर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरीके से मेला लगता है? बढ़िया भव्य मंदिर मतलब बना हुआ है, मतलब भव्य पूजा होता है या भव्य मेला लगा है या नहीं? नहीं, भव्य पूजा भी होता है और भव्य मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था भी है हर चीज का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आइए आगे दिखाते हैं, इधर एक पंडित जी खड़े हैं तो इनसे भी हम पूछेंगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघव चौधरी है जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं भी बनारस से आया हूँ जी। आप भी बनारस से आए हुए हैं? ये जो है यहाँ के कमेटी अध्यक्ष है और इनको लोग गांव में पंडित जी कहते हैं, यानी गांव के प्रसिद्ध पंडित जी हैं, तो इनका भी सहयोग जो है काली पूजा में बहुत ज्यादा रहता है, तो इनसे भी बात कर रहे हैं कि पंडित जी आपका क्या नाम है? मुन्ना झा। पंडित जी यहाँ पे जो काली पूजा होता है इसमें आपका कितना बड़ा योगदान है? जो हमें संभव होता है, जो काम जो आपसे समझ में होता है, जो आपसे कर पाते हैं वो कर लेते हैं। और पंडित जी यहाँ के मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर में जो कोई भक्त यहाँ पर आते हैं कोई मनोकामना मनोकामना पूरा करते मनोकामना मंदिर है यहाँ। यानी पंडित जी का कहना यह है कि यहाँ पे जो भी लोग अपने मन से मैया जी से जो मांगते हैं वो पूरा होता है, तो इन्हें मनोकामना मंदिर भी कहा जा सकता है। चले पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत अच्छा के बोले आप। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों को, और मेला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ बहुत शांति को बहुत ढंग से पूजा पर होता है, काली पूजा दिन जिस दिन काली पूजा यहाँ होती है उस दिन 5 बजे से आज 1 बजे दिन तक दुर्गा सरस्वती का अखंड पाठ होता है, उसके बाद यहाँ नौ पंडित से मिलकर के यहाँ हवन होता है, बड़ा शांति को ढंग से विधानपूर्वक पूजा होता है, कार्तिक विधि से पूजा होता है। और बहुत अच्छे से पंडित जी बताए, और इधर जो नौजवान लोग खड़े हैं बैठे हैं इनसे हम बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होता है, कैसे होता है, तो आइए हम जरूर पूछेंगे इनसे कि प्रोग्राम किस प्रकार से होता है। यहाँ पे स्टेज सब जो है बना हुआ है, तो भैया यहाँ पे प्रोग्राम का क्या है? प्रोग्राम का कुछ टाइमिंग बताइए, प्रोग्राम कैसे होता है, कौन सा प्रोग्राम होता है? सुबह 5 बजे तक होता है, बहुत अच्छे से शांति से यहाँ प्रोग्राम होता है। आप कौन सा प्रोग्राम कराते हैं? जागरण ऑर्केस्ट्रा या मैथिली नाटक, क्या करवाते हैं यहाँ? सांस्कृतिक नृत्य से लेकर ऑर्केस्ट्रा जागरण सब होता है यहाँ, सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेकर सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, इनसे भी पूछेंगे कि भैया जी आप लोग जो है नवयुवक मेला समिति के कमिटी, आप लोग
लोगों को मेला लगाने के लिए यहाँ पर कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, साफ सफाई सब लोग को मेंटेन करके रखना पड़ता है, पूरा भीड़ भाड़ ज्यादा आ जाता है, उन सबको ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है और अच्छा से मेला लगता है, कोई कुछ नहीं, आराम से देखता है, सब कुछ अच्छा से चलता है। जी आपका भैया क्या सहयोग रहता है मेला में, कि मतलब किस प्रकार से आप देखते हैं कि मेरा मेला में कोई लड़ाई झगड़ा ना करे या कोई मतलब हल्ला फसाद ना हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग खुद ही मेले में तत्पर रहते हैं, जैसे झूला के पास, मीना बाजार में, हर जगह चारों तरफ हम लोग फैले रहते हैं ताकि शांति से वो मेला लगे, क्योंकि भीड़ तो बहुत होती है शाम टाइम। जैसे कि अभी बाबा लोग बताया कि 4-5 साल से यहाँ पे मेला लगता है, पूजा होता है मैया का, तो यहाँ पे मतलब 5 साल से अभी तक कोई मतलब हल्ला फसाद कुछ है? कोई हल्ला फसाद अभी तक नहीं हुआ है और माता रानी का कृपा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, एकदम शांति से होता है। ये सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ पे 6 साल से मेला लग रहा है, पूजा हो रही है मैया का, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई हल्ला फसाद लड़ाई झगड़ा अभी तक नहीं हुआ है, तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग है यहाँ पे नवयुवक मेला कमेटी का, जो खुद यहाँ पे तत्पर खड़े रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप दोनों का। और हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आप दोनों? हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि ये बहुत ही एक सिद्ध पीठ है, अभी 6 साल से ये या जो भी मन का इच्छा लेके आता है वो उसका पूरा होता है और ये बहुत ही सिद्ध पीठ है। तो मेरे दर्शकों को बोल दीजिए कि यहाँ पे आने के लिए और मैया के दर्शन, आप लोग भी आए और मैया का दर्शन करें, जगत जननी जगदम्बा का दर्शन लें, साल में एक बार आता है, 5 दिन का है मेला लगता है। धन्यवाद भैया। तो देखो बताया कि यहाँ पे प्रोग्राम का भी आयोजन होता है, बहुत अच्छे से मेला लगाया जाता है, तो आइए दिखाते हैं कि मेला कितना बड़ा है। इधर मीना बाजार सब लगा हुआ है और झूला सब लगा हुआ है, तो इधर का भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो आइए दिखाते हैं इधर मीना बाजार की ओर। और इधर हम आ चुके हैं मीना बाजार में, जो कि काली पूजा के ग्राउंड में बना हुआ है। तो भैया यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है, जिसमें आप दुकान बनाए हैं, तो मतलब आपका दुकान किस प्रकार से चल रहा है, मेला में क्या है, भीड़ लगता है या नहीं लगता है? बहुत भीड़ लगता है, बहुत बढ़िया बिक्री होता है। जी बहुत बढ़िया होता है, यानी आपका धंधा चल रहा है मेला? हाँ खूब चल रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? ठीक ठाक रहता है मेला, ठीक ठाक रहता है। तो भैया बताया कि बहुत भीड़ लगता है मेला में, ठीक ठाक रहता है मेला, तो आइए आगे, इधर और भी दुकान है, इधर भी हम बात करेंगे दुकानदार सबसे कि किस प्रकार से यहाँ पर मेला लगता है, मतलब इन लोगों का बिक्री होता भी है या नहीं होता है, तो आइए बात करते हैं इधर हम मीना बाजार में मनिहारा दुकान के दुकानदार से। जिस प्रकार से आप देखे कि एक दुकानदार बताया कि बहुत अच्छा भीड़ लगता है मेला में, बहुत अच्छा कमाया था, तो इधर भी एक दुकानदार भी आ जाएंगे, दिन में भी इनका दुकान चल रहा है, तो इनसे भी हम पूछेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे मेला लगता है। भैया आप बताए कि आपके दुकान पर भीड़ लगती है या नहीं मेला में? लगती है। किस प्रकार से आपका कमाई हो जाता है रात को? जैसा चलने के ऊपर रहता है, कभी 5,000 कभी 4,000। इस मेला में आपको मतलब लगभग कितना कमा लेते हैं एक रात में? एक रात में आज ये रात को कमाए 10,000। 10,000 आज रात में कमा लिए, तो जिस हिसाब से भैया बताया कि आज रात में उन्होंने 10,000 रुपया कमाए मझौड़ा के काली मंदिर के मेला, काली मंदिर पर जो पूजा हो रहा है यहाँ पे इस मेले में, तो आइए और भी दुकानदार है सबसे बात करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और झूला सभी दिखाएंगे आप सभी को। बने रहिए आप हमारे हिंदुस्तानी मीडिया में, मैं हूँ बालकृष्ण यादव। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा दुकान सजा कर रखे हैं चाचा जी। चाचा जी आप बताएं कि मेला में भीड़ लगता है कि नहीं रात को? बहुत लगता है। बहुत लगता है जी। जी आपको मतलब छुट्टी रहता है रात में या फिर दुकान में बिजी रहते हैं? दुकान में बिजी रहेंगे तो भीड़ रहेगा तो दुकान में रहेंगे जी। जी जी अच्छा खासा कमाई हो जाता है आपको इस मेला में? बढ़िया जैसे हो जाता है। तो आप यहाँ पे नवयुवक मेला कमेटी को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहेंगे जी। जी ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। इधर भी देखिए कि मतलब बहुत अच्छे से बोले अंकल जी कि बहुत अच्छा कमाई हो जाता है, तो आइए और भी चीजें दिखाते हैं आपको। इस समय हवन हो रहा था आप लोगों ने देखे, तो यहाँ पे जो है यहाँ का इस मंदिर का पुजारी है ये, जिसे पुजारी बोलते हैं हम लोग, तो इनसे भी बात करेंगे कि आप बताइए कि इस मंदिर का जो है उद्घाटन जब हुआ था तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? समाज, पूरा ग्रामीण का, पूरा समाज का, पूरा समाज का, पूरा समाज का है। तो जिस प्रकार से आप लोग देखे कि इधर अब हवन हो रहा था, तो ये पंडित जी हवन करवा रहे थे, तो इनसे हम पूछेंगे कि पंडित जी हवन के बारे में आप कुछ राइस में बात बताएंगे पहले, मतलब किस प्रकार से हवन होता था और क्यों मनाया जाता है, हवन क्यों किया जाता है? हर एक पूजन, जो भी पूजन होता है, चाहे काली पूजन हो, दुर्गा पूजन हो या कुछ भी, हर एक पूजन के अंत में पूजन या जप या पाठ, उसके दशांश रूप में हवन किया जाता है। और हवन में है कि
जो अग्नि प्रज्वलित होता है, और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद अग्नि के द्वारा जितने भी हमारे धर्म में देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, उन सभी को आहुति जो प्रदान, मतलब उनको जो हम भोजन देते हैं, जिससे कि देवता का बल बढ़ता है। और उनके बल वृद्धि के बाद, जैसे कि जब आकाश में जल, जैसे समुद्र में, समुद्र से जब आकाश में जल सूर्य के द्वारा शोषित होता है, उसके बाद वर्षा होती है, और वर्षा होने के बाद हम लोगों को अन्न प्राप्त होता है, और उस अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। उसी प्रकार से जब हम हवन करते हैं तो हम अपने इष्ट को समृद्ध करते हैं, बलिष्ठ करते हैं। क्यों बलिष्ठ करते हैं? क्योंकि जब हमारे इष्ट बलि नहीं होंगे, जब तक हमारे इष्ट का जो है सबलता नहीं रहेगा, तब तक क्या होगा कि राक्षसी प्रवृत्ति का उद्गम होगा, उसका बल बढ़ेगा। तो हम अपने इष्ट को, अपने देवता को हवन के द्वारा आहुति प्रदान करते हैं, उनको भोजन प्रदान करते हैं, जिससे कि वो बलिष्ठ रहें। हमारे द्वारा जो भी हिंदू सत्य सनातन धर्म के संपोषक हैं, उनके द्वारा किए गए हवन कार्य जो हैं, हवन के एक तो हुआ कि पूजन का दशांश या जप का दशांश, पाठ का दशांश हवन किया जाता है। पाठ भी करते हैं देव के तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए, कि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जैसे पूरे गांववासी क्या करते हैं, मिल करके यहाँ पर पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद उन पूजन के निमित्तक दशांश हवन करते हैं। जैसे यहाँ पर काली पूजन के साथ साथ अखंड पाठ चलता है, शायद ही कहीं कहीं आपको दिखने को मिलता होगा अखंड पाठ। क्योंकि हम जब आधे एक घंटे का कोई काम करते हैं, वो निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई बाधा आ जाता है। किंतु यहाँ पर इस मझौरा ग्राम का इतना बड़ा एक योगदान और एक सहयोग है, जिसके कारण से पंच वर्ष से निरंतर अखंड पाठ 5 दिन तक होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होता है। एक व्यक्ति जो बैठा यहाँ पर पाठ किया, दूसरा जब तक यहाँ पर आ नहीं जाएगा, पहला व्यक्ति उठ नहीं सकता, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए। ये एक अखंडता बनी हुई है संपूर्ण ग्रामीण के सहयोग से। उस पाठ का दशांश यहाँ पर अभी हवन हुआ है और काली पूजन हो रहा है, तो काली जी का सहस्त्र नाम 108 नाम से भी अभी हवन होना है। और हवन की जो बात कर रहे थे, हवन से जो हम प्रदान किए देवता को, अब मेरे देवता जी जिस इष्ट का हम हवन किए, जैसे नवरात्र में होता है दुर्गा जी का, अभी काली जी का हो रहा है, तो काली जी को हम अब हवन से आहुति दे करके उनको अन्न प्रदान कर रहे हैं। आहुति हविष्य जिसको कहते हैं, तो हविष्य जब प्रदान करते हैं हम, तो उससे उनका बल बढ़ता है, जिससे कि दैत्य दानव इत्यादि का वो हनन किए और हम सनातनियों का रक्षण किए, और उस उनसे रक्षित होकर के ही हम लोग क्या होते हैं, अपने आप को समृद्ध पाते हैं, बलिष्ठ होते हैं, और अपने धर्म कार्य को करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे से आप हवन के बारे में बताए। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप, हमारे हिंदुस्तान मीडिया? यही कहना चाहेंगे कि आपके चैनल से भी जुड़े और साथ में हमारे धर्म को कभी भी किसी भी सूरत में न छोड़ें, अपने धर्म को करते रहें। जरूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर में जाएंगे तभी पूजन होगा, किंतु मंदिर में भी जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप अपने घर में अपने हिसाब से विधि विधान से हर एक पूजन करते हैं, किंतु तत्पश्चात भी हम क्या करते हैं कि आप अगर अपने लिए जो पूजन करते हैं वो मात्र आपकी वृद्धि के लिए है, और यहाँ पर जो पूजन हो रहा है वो समष्टि पूरे जगत चराचर के लिए संकल्प होता है, न कि किसी एक, भले इस ग्रामवासी के लोग करते हैं, यहाँ के लोग करते हैं, किंतु वो संकल्प में जोड़ते हैं संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग बात करते हैं, पूरी पृथ्वी ही क्या है, परिवार है, ऐसा ध्येय रखते हैं हम सनातनी। तो उस ध्येय को आधार रख के हम लोग संकल्प लेते हैं और उसके साथ पूजन करते हैं। इसीलिए हम सब दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर के पूजन के साथ साथ जिस किसी भी स्थान से जुड़े हैं या जहां आप जा सकते हैं, वहां जाएं और वहां पर योगदान करते हुए अपने धर्म का संरक्षण करें, वर्धन करें और उससे जुड़े रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो देख कि पंडित जी किस प्रकार से हवन के बारे में और पूजा के बारे में और सब चीज़ के बारे में कितने अच्छे से गहराई से बताए, वो तो आप लोग सुने ही होंगे। और यही है, ये लोग मंदिर के
मेला के कमेटी अध्यक्ष सब, तो सबसे मिले आप लोग, तो बने रहिए हमारे हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। मैं बालकृष्ण यादव। तो अभी हम देखिए मेला में आए हैं मझौरा का फेमस भुजा वाले के पास, जो कि इस मेला में भी दुकान लगाए हुए हैं। इनका भुजा बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे इधर पूरे पंचायत पूरे प्रखंड के अंदर में। तो ये इनका भुजा का हम स्वाद पूछते हैं कि किस प्रकार से भुजा में मसाला डालते हैं और कैसा रहता है इनका भुजा। आपका क्या नाम है चाचा जी? हरी भुजा वाला। हरी भुजा वाला, मैंने सुना है कि आपका भुजा बहुत ही ज्यादा फेमस है इधर अपने इलाके में। आप भुजा में क्या क्या मसाला डालते हैं इसके बारे में कुछ बताइए। वो नमक नहीं डालते, खाली काला नमक का खेल है। खाली काला नमक का खेल है और बाकी जो ये नमक हरदी हरदी नमक मिर्ची टमाटर प्याज यही सब डालते हैं और बाकी आपके हाथ का कमाल है। बस बस ये। आपका घर कहाँ हुआ? घर भले मझौरा। मझौरा यानी मझौरा का ही है और इनका भुजा बहुत ही फेमस है। एक बार आइएगा इधर तो जरूर खाइएगा आप सभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिठाई का दुकान लगा हुआ है भैया। आज तो लास्ट मेला है तो आज थोड़ा मतलब पहले से बना के रखे हैं कि आज जो बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा। तो आइए इनसे पूछते हैं। अभी वो जिलेबी छान रहे हैं, देखिए किस प्रकार से जिलेबी को छान रहे हैं भैया। तो भैया से पूछेंगे कि भैया मेला में भीड़ लगता है कि नहीं? लगता है, थोड़ा बहुत रहता है। थोड़ा बहुत रहता है। आपका बिक्री बट्टा कैसा चलता है मेला में? अच्छे चल जाता है। अच्छे चल जाता है। कमिटी को आप वो देते हैं क्या बोलते हैं उसको, बट्टी देते हैं? हाँ बट्टी देते हैं। देते हैं, चलिए भैया ईमानदार है बोलते हैं देते हैं। और सब